जय धर्मेश, जय सरना, जय आदिशक्ति, जय सिंहगंगा, जय धरती माँ। तो अभी हम यहाँ पर जो हटवार सरना में आए हुए हैं और हमारे साथ में वकील साहब हैं, सिविल कोर्ट में हैं, और या इनसे हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि अपने समाज सरना समाज के प्रति इनका किस तरह से सोच है। तो आप अपना परिचय देकर बताइए सर। मेरा नाम है प्रवीण लकड़ा, मैं सिविल कोर्ट से हूँ। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन जैसे मैं आज देखा बहुत अच्छा, मैंने जैसे यहाँ का देखा है गाँव से यहाँ पर आए, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ जो हम लोग पुरखाओं ने हम लोग को जो दिया है, चाहे वो धार्मिक परंपरा हो चाहे हम लोग को सांस्कृतिक हो, अभी इसको बचाना एक चुनौती बन गया। लेकिन कुछ कुछ जगह देखा मैंने, जिसका अभी भगवान का नाम लूँगा, यहाँ पर देखें कि युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, बड़ी जड़ पर तो भाग लेते हैं। मैं भी आया, मेरा मैडम भी आए हुए हैं, वो भी अपना पूजा पाठ किए। यहाँ आने से हमको एक चीज़ ये हुआ कि इंसान के ज़िंदगी में चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, हमेशा टेंशन ही रहता है। लेकिन एक बार यहाँ आइए, आप पूजा करिए नहीं करिए, एक बार देखिए, आपको मन पर संतुष्टि अवश्य मिलेगी। बस इतना ही बोलते मैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि हमारे अभी सरना समाज में और सरना धर्म का अभी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यह प्रचार प्रसार आपको कैसा अच्छा कैसे लगता है आपको? मैं चिरंजन जी, आपका तो पहले भी देखा हूँ मैं वीडियो। जी जी जी, यूट्यूबर हैं आप। हाँ हाँ हाँ। और आपका जो ये कार्य है ये सराहनीय योग्य है, और मैं चाहता हूँ कि आप हर जगह, गांव हो शहर हो, आप जाइए। और हम लोग का माध्यम तो यूट्यूब ही बना हुआ है। जी जी, जैसे सोशल मीडिया फेसबुक हो गया। हाँ हाँ। और दूसरा के यूट्यूब, आपने यूट्यूब के माध्यम से जो प्रचार कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। जी, बहुत ही सराहनीय योग्य है। मैं चाहता हूँ कि और भी एरिया जाइए और इसका प्रचार प्रसार कीजिए, और इसके लिए हम लोग पूरा आदिवासी समाज आपके सहयोग के लिए तत्पर रहे हैं। चलिए ठीक है सर। और हम चाहेंगे सर, आप जैसे अभी आप सिविल कोर्ट में एडवोकेट है ना, तो आप अपना ट्राइबल्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके साथ में जुड़े, और जहाँ भी दुख तकलीफ परेशानी है उस परेशानी को किस तरह से आप सॉल्व करना चाहेंगे? मैं विशेषकर मेरे आदिवासी जो ये है समाज है, वो तो मैंने देखा है कि बहुत ऐसे स्थिति में आते हैं ना, कि देख के हमको लगता है कि नहीं, ये लोग ये चाहे मैंने सही रास्ता दिखाएं कि कैसा क्या, जो भी प्रॉब्लम है उस सही आदमी को चुने। कोर्ट में तो बहुत से ये रहते हैं, वकील रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ कुछ ऐसा होता है कि वो लोग क्या बोले उसको, मैंने सही लोग मार्गदर्शन मिलने मैंने दिखाने वाला वैसे एडवोकेट नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कभी आइए। ऐसा बात नहीं कि वकील सब ये होते हैं, लोग भी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं तो उसके नाम से बदनाम है, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी आइए, हम लोग तात्पर्य हैं आप लोग आपको सेवा देने के लिए, सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए, कभी आइए। तो सर, आपसे आप चाहेंगे कि हमारे ट्राइबल्स में कानून नियम के बारे में काफ़ी नहीं के बराबर जानकारी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपका आपको खासकर और आपके जो साथी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी लोगों को मैं अपना चितरंजन उरांव यूट्यूब के द्वारा मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं चाहूँगा कि कम से कम आप भी कुछ न कुछ संदेश के माध्यम से मेरे साथ में जुड़िए, और आपके बताए हुए आपका ग्रुप का जो बताए हुए कुछ न कुछ हमारे समाज के लिए, अपना संस्कृति के लिए, लोगों के हित के लिए कुछ न कुछ हम लोग संदेश डाल सकते हैं, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम इसके लिए हमेशा तात्पर्य हैं। पहली बार तो आपसे मिले, बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके। अब YouTube में काम करते हैं एकदम, तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं जी। आप जुड़िए और हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम होता है समाज के प्रति हम लोग मिलजुल के करेंगे जी सर। तो दोस्तों, ये हमारे समाज के लिए शुभचिंतक और मानवता के लिए शुभचिंतक है, सभी के लिए इनके अंदर में एक ही भावना होता है, इंसान का जहाँ अन्याय हो रहा है वो न्याय हो और अच्छा हो, इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम चाहेंगे कि इनके ग्रुप में जितने हैं सारे लोग इस और मदद करें, और हम भी कम से कम एक या दो महीना में अच्छी अच्छी बातों के साथ में इनकी बताई हुई मार्ग को हम लोग दिखाने और बताने का प्रयास करेंगे और उसको दिखाने का कोशिश करेंगे, ताकि हमारे समाज में सहयोग और मदद मिल पाए। जय धर्मेश।